वहीं झारखंड सरकार सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता वाली शिक्षा के साथ बच्चों को समुचित सुविधा देने का दावा करती है, लेकिन ये दावे केवल बयानों और कागजों तक ही सीमित होकर रह गई है। धनबाद जिले के कतरास अंचल के केसलपुर का प्राथमिक विद्यालय रामक नाली अपनी बदहाली का आंसू बहा रहा है। जो तस्वीरें सामने दिख रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग कितना गंभीर है। सरकारी स्कूल में गुणवत्ता वाली शिक्षा की कमी के साथ अब बच्चों की सुरक्षा भी भगवान भरोसे चल रही है। इस स्कूल को CCL के बंगला में संचालित किया जा रहा है। विद्यालय का अपना भवन नहीं है। शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण बच्चों की सुरक्षा में खतरा है। पानी में जहरीले सांप कीड़े हो सकते हैं, जो छोटे छोटे छात्र छात्राओं के लिए खतरा बन सकती है। इतनी गंदगी में बच्चों का खाना भी बनाया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि 22 साल पहले BCCL ने इस विद्यालय को विस्थापित कर रामक नाली में बसाया था, जो अपना बदहाली का रोना रो रहा है। मोटर चलाकर स्कूल में भरे पानी को शिक्षक बाहर निकालते हैं। स्कूल आने में दिक्कत होती है, कैसे? पानी भर जाता है, पानी पड़ता है तो। पानी पड़ता तो पानी भर जाता है। तुम डर रही थी आने में, डर लग रहा था कि नहीं? हाँ। क्यों, किस चीज का डर लग रहा था? पानी में कुछ होगा, डर लग रहा था। अच्छा। भरा पूरा है। प्रधान शिक्षक विभाग के पदाधिकारी लोग भी आकर औचक निरीक्षण जा चुके हैं, और पिछले बार फंड खत्म हो जाने के कारण एक बैरियर नहीं बन पाया पानी का गेट के पास, और इस साल फंड आई है तो ये फंड से हम लोग प्रथम कार्य वही है पानी का रोकने का और निकास करने का, उसकी व्यवस्था करना। पानी एक जब जमा हो जाती है तो स्कूल में हम लोग मोटर और पाइप रखे हैं, उसी से पानी की निकास होती है। पानी निकास की कोई भी साधन यहाँ नहीं है। ज़्यादा पानी जमा होने पर छोटे बच्चों को हम लोग वापस कर देते हैं, सिर्फ बड़े क्लास वाले बच्चे को रखते हैं।